हैप्पी होली गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल छोटी सी शर्दर्शिका। सो एज यू ऑल नो दैट हैविंग ठंडाई इन इंडिया इज अ क्रेज ड्यूरिंग होली, तो आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे ठंडाई के साथ, विच इज ठंडाई कुकी। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर मेकिंग ठंडाई कुकीज वी नीड मैदा, ठंडाई पाउडर, चॉप्ड पिस्ता एंड बादाम, कार्डमम पाउडर, केसर स्ट्रैंड्स, ड्राइड रोज पेटल्स, मिल्क, घी, शुगर, व्हाइट कंपाउंड एंड वैनिला एसेंस। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और अब हम उसमें घी डाल देंगे। टू दिस गोज इन शुगर। और अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे अंटिल इट टर्न्स क्रीमी। ये देखिए ये हो गया है। एंड नाउ वील एड इन वैनिला एसेंस। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ वील एड इन मैदा बट इन बैचेस। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ गोज इन द लेफ्ट मैदा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टू दिस गोज इन ठंडाई पाउडर। And I wanted to say that this is homemade thandai powder and I'll leave the recipe in the description box below. To this goes in cardamom powder. और अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें 1 tablespoon मिल्क डाल देंगे। यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी। एंड नाउ वील नीड अ डो। ये देखिए मैंने डो को ट्रांसफर कर लिया है चॉपिंग बोर्ड पे और मैंने एक पोर्शन लिया है और इसे मैंने ऐसे प्रेस कर दिया है। वील डू द सेम विथ होल डो। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ इट टर्नड आउट। ये देखिए मैंने कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर मोल्ड है। सो वील टेक अ डो इन आर हैंड लाइक दिस एंड वील जस्ट प्रेस द फ्लावर मोल्ड। वी डोंट हैव टू फुली प्रेस इट, जस्ट टू गिव इट अ शेप वी आर डूइंग लाइक दिस। और अब हम सब में ऐसे ही कर देंगे। आई एम शोइंग द प्रोसेस अगेन, यू कैन सी इट। ये देखिए यू कैन गिव इट एनी शेप। अब हम इसे एक ग्रीस्ड ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए मैंने कर दिया है और अब हम इसे सैफ्रन स्ट्रैंड से टॉप कर देंगे। मैंने पहले से ही ओवन को प्रीहीट कर लिया है एट 180 डिग्री। एंड नाउ दिस गोज इनटू द ओवन टू बेक एट 20 to 25 minutes एट 180 डिग्री। ट्वेंटी फाइव मिनट्स के बाद कुकीज कुछ ऐसे दिख रहे हैं। एंड नाउ वी लेट इट कूल डाउन। अब हम इसे साइड में रखकर व्हाइट कंपाउंड मेल्ट करेंगे। ये देखिए मैंने मेल्ट कर लिया है
और यहाँ पे मैंने एक कुकी लिया है और अब हम इसके हाफ पोर्शन पे व्हाइट कंपाउंड लगाएंगे। ये देखिए मैंने डिप कर लिया है और अब हम इसे बोर्ड पे रखकर इस पे थोड़ा पिस्ता और बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। एंड टू मेक इट कलरफुल आई एम स्प्रिंकलिंग सम ड्राइड रोज पेटल्स। एंड आई हैव डन सेम विथ ऑल द कुकीज एंड दे आर जस्ट लुकिंग सो अमेजिंग। जस्ट सी देयर कलर।